नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ठीक उसी तरह राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां भी बढ़ रही है। जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है। इसी कड़ी के चलते आज मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना विधानसभा स्थित डाक बंगले में सपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक मौजूद रहे और सपा के कई नेता भी मौजूद रहे। सभी ने बारी बारी से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर भी जमकर हमला बोला। इस दौरान गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने हलचल इंडिया न्यूज चैनल से खास बातचीत की और सरकार पर जमकर हमला बोला। राकेश शर्मा, अब्दुल्ला राणा, बच्ची लाल सैनी, मुफ्ती जुल्फुकार, कुंवर शोएब, तनवीर प्रधान, आमिर प्रधान, अनवर प्रधान, रईस बढ़ाना, वसीम राणा, नयाब तियाज आदि लोग मौजूद रहे। आज चुनाव की तैयारी की मीटिंग है, कार्यकर्ता सम्मेलन है और चुनाव में किस प्रकार से रणभूमि रहेगी, सबको वो यहाँ बुलाए हैं। तो इन्हें बात के बाद में इन्हें बैठ करके ड्यूटी सौंपी जा रही है। तुम ये हल्का देखोगे, तुम ये हल्का देखा, चुनाव सब मिलकर के लड़ते जब भी काम चलता है। चुनाव में अकेला आदमी को कुछ कर नहीं, उसी संबंध में मीटिंग बुलाई है। देख परिस्थिति होती है, बुखार में है। प्रमोद त्यागी जी की बात कर रहे हैं ना आप, वो बुखार में है प्रमोद त्यागी जी, तो बुखार उतर जाएगा। किस बात का मानसिक प्रभाव तो पड़ा है हम पर। हमें दुख हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, वो राष्ट्रीय लोकदल जिनके पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चौधरी अजीत सिंह साहब 2013 के बाद जब तक ये जीवन पर्यंत भाईचारा कायम करने के लिए लड़ते रहे और जो सांप्रदायिक ताकतें उनके खिलाफ लड़े, आपको उनकी स्पीच में सुनवाऊंगा, सबकी स्पीच सुनवाऊंगा चुनाव में। उनकी स्पीच ये रही थी कि अमरीश दे देगा मुझे, उनकी स्पीच थी कि मैं यहाँ भाईचारा कायम करना है। हमने हम उनके अनुयायी भी रहे, उनके साथ में हमने राजनीति की। हम चरण सिंह वादी लोग, हम लोग ये जानते हैं कि वो भाई का चारा कायम करने का काम अब हम कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य होगा, हम अपने आप खुशकिस्मत समझेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि होगी चौधरी अजीत सिंह साहब को। अगर हमने जो बेईमानी से चौधरी अजीत सिंह साहब को हरा गया था, 19 बार बागपत में लोकदल को हरा गया था, उसका बदला अगर हम ले लें तो ये हमारी तरफ से आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रमुख मुद्दे में उतारा, हमें तो सम्मान बचाना है, लोकतंत्र बचाना, कोऑपरेटिव का इलेक्शन पर्चे खारिज, लोकल बॉडी जो पर्चे खारिज, जबरदस्ती लोगों को नाम और जात पूछ करके वो लंगड़ा कर देते, जवानी लंगड़ी कर दी जाती है, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, न्यायपालिका को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हम तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों का सम्मान जिंदा करेंगे, हम किसी भी बहन बेटी के साथ अपना फोटो नहीं लगा। वो उनसे इस सवाल को, इस बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता, पर मैं इतना जानता हूँ कि शिवचरण सिंह के साथ हमने भी राजनीति की है और हम उस व्यक्ति की विचारधारा में शिवचरण सिंह जिंदा थे जिसका नाम चौधरी चरण सिंह। उनके बारे में मानता हूँ कि चौधरी चरण सिंह ना होते तो गांव गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, छोटे दुकानदार का बेटा कभी भी राजनीति में एमएलए एमपी ना बन पाता। हम चरण सिंह वादी लोग, हम कहीं भी रहे हो शिवचरण सिंह का अपने आप को कर नहीं पाए, हम चरण सिंह वादी लोग निश्चित रूप से उनके हार का बदला लेंगे, उस विचारधारा को जिंदा रखेंगे, भाजपा खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। बुढ़ाने बताया ना मैंने, सम्मान बचाने का मुद्दा, अपने यहाँ काम बांटा जाएगा। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र का शाहपुर का इंचार्ज जो होगा, बुढ़ाने का इंचार्ज जो होगा, ये शाहपुर में इतनी सर्किल बढ़ेंगी, बुढ़ाना में इतनी, साथियों से मिलकर तो चुनाव लड़ेंगे। भाई ये धनबल और जनबल का चुनाव है, जनबल मेरे साथ है, धनबल भाजपा पे है, तो धनबल को हराने के लिए हमें जनबल को इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।